दिन भर के सह प्रायोजक है रवि ट्रेडिंग कंपनी। साईं प्रणाम। श्रीवन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर। मैं हूं आलोक सिंह। आगे बढ़ने से पहले वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण से बचने के लिए श्रीवन परिवार की तरफ से दर्शकों से एक अपील, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, घरों में रहें और सुरक्षित रहें। अब एक नज़र सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रविवार को पहुंचे गोरखनाथ मंदिर, दो दिवसीय दौरे के दौरान विभिन्न कार्यक्रमों में करेंगे शिरकत। गुरु पूर्णिमा पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे गोरखपुर गोरखनाथ मंदिर में, बाबा गोरखनाथ सहित अपने गुरुओं को टेका मत्था। प्रमुख सचिव नगर विकास व जिले के नोडल अधिकारी दीपक कुमार ने सर्किट हाउस स्थित महंत दिग्विजयनाथ पार्क में किया पौधरोपण। वन महोत्सव के तहत जनपद में 36 लाख पौधे रोपने का नगर विधायक, एडीजी, मंडलायुक्त सहित अन्य अधिकारियों ने पौधारोपण कर किया शुभारंभ। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम स्थल का एडीजी ने संबंधित अधिकारियों के साथ किया निरीक्षण, दिए आवश्यक निर्देश। प्रमुख सचिव ने कहा, शासन द्वारा कराए जा रहे निर्माण कार्य और मेट्रो का कार्य तेजी के साथ प्रगति की ओर हो रहा है अग्रसर। जोन में विशेष अभियान चलाकर हिस्ट्री शीटरों के खिलाफ कार्रवाई करेगी पुलिस, डीआईजी ने कहा, हर जनपद में 10 जवानों को दी जाएगी विशेष ट्रेनिंग। एडीजी, मंडलायुक्त सहित अन्य अधिकारियों ने शहीद अशफाकुल्ला खां प्राणी उद्यान का किया निरीक्षण। डीआईजी व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहित अन्य अधिकारियों ने पुलिस लाइन परेड ग्राउंड पर किया पौधरोपण। एटीएम मशीन काटकर लूट करने वाले गिरोह के 5 सदस्यों को कोतवाली पुलिस ने किया गिरफ्तार। वैश्विक महामारी के बीच बड़ी संख्या में श्रमिकों को सकुशल उनके गंतव्य तक पहुंचाने वाले चालक व परिचालकों को मुख्य प्रधान प्रबंधक प्रावधिकी ने प्रशस्ति पत्र देकर किया सम्मानित। तिवारीपुर थाना प्रभारी की सूझबूझ से भागे हुए प्रेमी युगल को समझा बुझाकर राजी खुशी भेजा लड़के के घर। मुख्य प्रधान प्रबंधक प्रावधिक ने क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय परिसर में किया पौधारोपण। कैंट थाना क्षेत्र के विष्णुपुरवा में मनभड़ों ने 50 वर्षीय व्यक्ति को मारा चाकू, पुलिस ने 2 आरोपियों को पकड़ा। पुलिस प्रशासन की अपील, कहा, श्रवण मास में अपने घरों पर ही रहकर करें पूजा अर्चना। बसों के संचलन, लोड फैक्टर बढ़ाने, सैनिटाइजेशन सहित अन्य विषयों पर मुख्य प्रधान प्रबंधक प्रावधिक ने संबंधित अधिकारियों के साथ की बैठक, दिए आवश्यक निर्देश। और नगर स्वास्थ्य अधिकारी के नेतृत्व में शहर के विभिन्न क्षेत्रों में चलाया गया विशेष सफाई अभियान। मुख्यमंत्री